हाय गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसीसी रखाई में। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.3 का दो नंबर का तीन नंबर क्वेश्चन, यानी दो नंबर का थर्ड नंबर क्वेश्चन। ये आपका जो है दूसरा सवाल जो है इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन का। तो इसमें देखिए, सबसे पहले भाग्य विधि यानी बहुपद का भाग जानने के लिए कोई भी शॉर्ट वाले भाग जो आप जानते हैं तो इसको आराम से आप बना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि ये भाग जो है आसानी से बन जाता है जब आपको भाग आता है। तो भाग अगर बनाना जानते हैं तो इसे आसानी से आप बना सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं सवाल। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दीजिए, इससे इसमें भाग दीजिए और जांच करिए कि ये जो है इसका गुणनखंड है। यानी प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। यानी बहुपद का गुणनखंड कब मानेंगे, जब हम प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में जब भाग देंगे तो इसका जो है शेषफल शून्य होना चाहिए, यानी जीरो होना चाहिए। जब शून्य शेषफल हो जाएंगे तो समझिए आपका जो है ये मेथड जो है समझिए गुणनखंड है। गुणनखंड हाँ लिख देंगे, अगर शून्य नहीं आते हैं, शून्य के अलावा कोई और संख्या शेष में आ जाते हैं तो समझिए ये गुणनखंड नहीं है। तो चलिए हम भाग करके देखते हैं। एक्स के पावर 5 माइनस 4 एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें हम भाग दे देते हैं किससे, यानी एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 में। इससे जो है इससे इसमें भाग देंगे। तो सबसे पहले जो है आपको देखिए यहाँ कौन ऐसा संख्या लिखे ताकि कम से कम प्रथम पद बराबर हो जाए। एक पद आपको बराबर होनी चाहिए कोई एक। अब इसमें कोई संख्या लिखते हैं यहाँ बराबर करने के लिए, इधर भी बराबर हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से काट देंगे। तो देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस वाली निश्चित है संख्या रहेगी। यहाँ एक्स का पावर 5 लाना है, यहाँ 3 है तो यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। तो बेस जब सेम होता है, बेस सेम होता है और पावर कुछ भी हो तो पावर जुट जाता है। आधार सेम हो, पावर कुछ भी हो, दोनों जुट जाएंगे। एक्स के पावर 5 यानी प्लस 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 माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, यहाँ मैं बताया था कि यहाँ एक छिपा रहता है हमेशा। तो एक में और तीन में गुना करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस 3, एक गो एक्स और दो गो एक्स कितना हो जाएंगे, 3 गो एक्स। प्लस और प्लस प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ देख लीजिए यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएंगे माइनस। इसका वैल्यू खत्म, इसका वैल्यू खत्म। देखिए बच्चों, वैल्यू कहने का मतलब क्या है, यानी कि ये जो संख्या है ये नीचे और ऊपर वाला सिर्फ संख्या काम करेगा, बीच वाला संख्या से कोई मतलब नहीं, इसका कोई पावर नहीं चलता, ये समझिए खत्म, साइलेंट के बराबर है ये, खत्म के बराबर है। इसका कोई शक्ति नहीं है, इसका कोई शक्ति नहीं है, जो भी पावर दिखाएगा ये और ये। अब इसमें कौन बड़ा है, जो ज्यादा दमदार होगा उसका वैल्यू आएगा। मान लीजिए जिसके पास अधिक शक्ति होती है वही कार्य करता है, तो ये इसका शक्ति खत्म है, ये पावरलेस है, ये भी पावरलेस है। तो देखिए प्लस और माइनस कट जाएंगे, माइनस 4xq में से प्लस 3xq घटेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, यानी 4 में से 3 घटा तो एक्स, यानी एक एक्स एक एक्स क्यू, ये प्लस रहेगा कि माइनस, ये तो बड़ा वाला संख्या के आगे जो चिन्ह रहता है, तो बड़ा वाला ये है तो माइनस, ठीक है। अब देखिए ये प्लस और माइनस खत्म, अब उतार दीजिए आप प्लस 3x प्लस 1। अब ये जब उतर जाएंगे संख्या तो फिर देखिए आप कौन ऐसी संख्या यहाँ पर रखे ताकि कम से कम एक पद बराबर हो जाए। तो यहाँ देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो यहाँ निश्चित है कि माइनस अगर रखेंगे तब ना माइनस प्लस और माइनस माइनस यहाँ आएंगे। तो अगर हम माइनस यहाँ रखते हैं तो माइनस और प्लस माइनस एक्स, यानी एक्स क्यू लाना है तो यहाँ अगर माइनस 1 हम रख देते हैं तो कितना हो जाएंगे, एक्स क्यू प्लस और माइनस माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, यानी 3x, 3x में 1 से गुना करेंगे तो 3x प्लस और माइनस कितना हो जाते हैं माइनस 1। यानी देखिए ये गुना कर दिए तो हो गया, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, इसका वैल्यू खत्म, इसका वैल्यू खत्म, इसका वैल्यू खत्म। कहने का मतलब वैल्यू खत्म का मतलब क्या होता है, यानी कि उसका शक्ति जो है खत्म हो जाता है, यानी शक्ति इसकी छिन्न हो जाती है बीच वाली संख्या का, यानी पावरलेस इसका शक्ति खत्म हो जाता है, ये भी पावरलेस, इसका कोई कार्य नहीं करेगा, ये कोई कार्य नहीं है, इसका कोई कार्य नहीं है, जो भी करेगा ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। तो देखिये तो माइनस और प्लस खत्म,
माइनस और प्लस और माइनस खत्म। अब देखिए माइनस ये प्लस और प्लस ये माइनस तो खत्म है, इसका कोई मतलब पावर नहीं है, तो प्लस एक और प्लस एक प्लस कितना हो जाएंगे दो। अब यहां आपका सवाल देखेंगे, सवाल आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करके देखिए कि ये पहले बहुपद का गुणनखंड है, पहले बहुपद का गुणनखंड द्वितीय बहुपद है, तो द्वितीय बहुपद को कब गुणनखंड मानेंगे, जब ये भाग देने पर ये शेष आपका शून्य हो जाते हैं, शून्य मतलब जीरो, अगर जीरो हो जाते हैं तब हम लिखेंगे हाँ गुणनखंड है, अगर शून्य नहीं आया तो क्या करेंगे, नहीं गुणनखंड, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, नहीं गुणनखंड नहीं है, या गुणनखंड नहीं है डायरेक्ट लिख सकते हैं, गुणनखंड नहीं है, नहीं गुणनखंड नहीं है, मन करे तो ये लिखे नहीं गुणनखंड नहीं है या गुणनखंड नहीं है, लेकिन ये गुणनखंड नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ शेष हमारा क्या आना चाहिए, शून्य। मैं बताया हूं कि शेष जब शून्य आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, अगर शून्य नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो फिर दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को जरूर दबाएंगे ताकि हमारे जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंचे। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।